just wanna dance and feel good. Yeah, I feel good. Hey, hi दोस्तों, नमस्कार, मैं विजय आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ कि अब तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल काम से मैं बहुत ही व्यस्त था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम कुछ नई शुरुआत करेंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही यूनिक लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप चेक करें मेरे फ़ोन के राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो एक ऑप्शन दिखा रहा है टाइमर, जी हाँ, आपको देखने में लग रहा है कि ये कोई टाइमर है या फिर स्टॉप वॉच है या अलार्म वॉच है। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल टाइम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन उसके अलावा भी इसका फीचर जो है बहुत ही कमाल का है। तो सबसे पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट से पूरा इन तक बताना चाहता हूँ, तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया, अभी मैं इसे जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करूंगा। तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जो है गूगल प्ले स्टोर के सर्च में टाइप करना है टाइमर लॉक। जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग और उसकी डाउनलोड जरूर चेक कर लीजिए। जैसा कि इसकी रेटिंग देखेंगे तो इसकी रेटिंग 4.5 है, जो बहुत ही कमाल की रेटिंग है। 4.5 आउट ऑफ 5, इजंट इट कूल। उसके अलावा इसकी डाउनलोड देखें तो इसकी डाउनलोड 500,000 से भी ज़्यादा है। मतलब लोग इस एप्लीकेशन पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इतने लोग। तो आप बेझिझक होकर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट। इसकी साइज़ है 5.0, मतलब ये कोई हेवी एप्लीकेशन नहीं है जो आपके फ़ोन की स्टोरेज को रिड्यूस कर देगा या फिर बहुत ही बैटरी आपके फ़ोन की जो है स्टोरेज को कम कर देगा, बल्कि 5.6 MB की है, जो बहुत ही छोटी MB साइज़ है। ठीक है, तो हम इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह का। आपको सबसे पहले तो आपको पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि इन फ्यूचर में हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें याद नहीं आता, तो पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन से हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है रिकवरी पासवर्ड सेट करूंगा, जैसे कि मैं सेट करता हूं माय नेम। उसके अलावा आप आंसर सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम डालना चाहूंगा जो है टेक्नो नेम। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन एंड आंसर है, आप चाहे तो कुछ भी सेट कर सकते हैं। योर फेवरेट स्पॉट, योर फर्स्ट स्कूल नेम, फर्स्ट टीचर नेम, योर फर्स्ट पेट नेम, योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड नेम, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं जो आपका मन चाहे पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन में। तो मैं सेव एंड स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ ईमेल डालना है, ईमेल आईडी, जो अपना ईमेल आईडी आप सेट करना चाहते हैं। तो मैं अपना ईमेल आईडी सेट करता हूँ, जो मेरे चैनल का ईमेल आईडी है, सेट करता हूँ। उसके बाद मैं से प्लस पे टिक करता हूँ। ये ओके पे टिक करने के बाद आपको इस तरह का टाइमर दिखाई देगा। ये टाइमर ही बहुत ही यूनिक है दोस्तों, आप अपना टाइमर सेट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि इन फ्यूचर मुझे सेट करना है पासवर्ड, जैसे अक्सर नॉर्मल पासवर्ड सेट करते हैं जैसे कि 1114, 1112, लेकिन यहाँ कोई पासवर्ड नहीं डालना, बल्कि आपको एक टाइम सेट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो मुझे जो है टाइम सेट करता हूँ 3:30। ठीक है, 3:30 सेट किया। उसके बाद मैं बीच में वाइट कलर सेंटर पर क्लिक करता हूँ, तो दोबारा से मुझे सेट करना है 3:30। उसके बाद प्लस किया। इस तरीके से मेरा जो है पासवर्ड सेट हो चुका है, जो है मेरा पासवर्ड 3:30 है। मतलब इन फ्यूचर में मुझे इसे ओपन करना है तो मुझे 3:30 टाइम डालना है और ओके करना है। इस तरीके से मैं इसे एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। बीच में यहाँ आपको एक वार्निंग का प्रॉम्प्ट आएगा, इसमें आपको दिखाया गया है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो टाइमर पे आपको 10-10 डालने हैं और उसके बाद इंटर करना है। तो आपको आपका रीसेट पासवर्ड का आपका रिकवरी क्वेश्चन एंड आंसर इंटर करना है, उसके बाद आपका पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 10:10 का जो टाइम बहुत ही याद रखिएगा, बहुत ही काम का इसे लिख लीजिएगा।
हम उसे ओके करते हैं। तो अभी हम यहाँ तीन ऑप्शन देख रहे हैं, फाइल्स, वीडियो, पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, आप पिक्चर्स, कोई फ़ोटोज़ अगर आपको हाइड करना है तो वहाँ से कर सकते हैं, कोई वीडियोज़ है आपके फ़ोन में उसे हाइड करना है तो उसे हाइड कर सकते हैं, या कोई फाइल है जो PDF है वो ज़िम्मेदार फाइल है, या फिर कोई यूनिक फाइल है जो आप किसी को नहीं शो करना चाहते हैं, तो आप ये तीनों ही ऑप्शन ये तीनों फोल्डर में से किसी एक फोल्डर में इंसर्ट करके सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने प्लस पे क्लिक किया और गैलरी पे चलते हैं। गैलरी पे चेक करने के बाद चलिए मैं कोई पिक्चर जो है मुझे हाइड करने हैं, ठीक है, तो लेट्स गेट सेट को कौन सी पिक्चर में हाइड करनी है। चलिए मैं डाउनलोड इमेज पे जाते हैं, आपको यहाँ ऐड भी दिखाई देंगे क्योंकि ऐड जो है उनका बेसिक सोर्स होता है इनकम का, तो ऐड अगर आता है तो आपको उसे क्लोज करना है, ठीक है। अभी यहाँ से कोई पिक्चर आपको जो है आपको हाइड करना है, तो चलिए मैं अभी यहाँ से कोई पिक्चर आपको हाइड करना है तो गेट सेट को हम कोई व्हाट्सएप इमेज लेते हैं जो मुझे हाइड करनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ इमेज लिए है, तो कुछ इमेज लेता हूँ मैं जो हाइड करने हैं, ये चारों सेलेक्ट किए और ये जो लॉक पे ऑप्शन देगा उसे टिक करना है। लॉक पे टिक करने के बाद आपके सारे फोटोज जो है इस फोल्डर में अपने आप आ जाएंगे, और आपका ये फोटोज है आप अगर अपने गैलरी में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ नहीं दिखाई देगा, तो इसमें एक वार्निंग आपको दिखाई देगी, इसमें लिखा है कि योर फाइल्स आर लॉक्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड दिस एप्लीकेशन इंटरनल मेमोरी। जी हाँ, तो ये आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में आ चुकी है। अगर आपको डिलीट करना है, इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो ये जो आपका जो फ़ोटोज़ है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा या पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले सारे फ़ोटोज़, सारे वीडियोस आपको पहले अनहाइड करने हैं, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे अनइंस्टॉल किया तो आपके सारे के सारे फ़ोटोज़ जो है अपने आप डिलीट हो जाएंगे या वीडियोस लॉस हो जाएंगे। तो ये फ़ोटोज़ आपके गैलरी में या ये वीडियोस आपके गैलरी में नहीं दिखाई देंगे, ये फ़ोटोज़ पूरी तरह से इस एप्लीकेशन के इंटरनल मेमोरी में हाइड हो चुके हैं। मतलब ये कितना सिक्योर है दोस्तों, कि आपने फ़ोटोज़ अपने वीडियोज़ को कितनी सिक्योरिटी के साथ इस एप्लीकेशन में सेट कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो है फोटोज़ वीडियोस हाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाहर आता हूँ और उसका कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। चलिए हम बाहर आके चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ इस आइकन पे, ठीक है, टाइमर पे क्लिक किया। टाइम पे क्लिक करते ही आपको आपका जो टाइम है इस समय जो है बज रहे हैं 3:34, ठीक है। तो अभी ये टाइम है मुझे अपना फाइल ओपन करना है, इसमें आप टाइम भी चेक कर सकते हैं। मुझे अपनी फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करने के लिए मुझे ये बीच में वाइट करके जो राउंड सेंटर उस पर क्लिक करना है, उसके बाद मुझे टाइम सेट करना है, जो मैंने टाइम अपना पासवर्ड सेट किया था, जो मैं सेट किया था 3:30, तो 3:30। उसके बाद मुझे वापस से उस वाइट सर्कल पर क्लिक करना है, और उसके बाद मेरे पासवर्ड जो मैंने फ़ोटोज़ हाइड किए थे वो यहाँ मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मैं उसे ओपन कर सकता हूँ। है ना कमाल का एप्लीकेशन दोस्तों। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।